देखिए कितने सॉफ्ट पराठे सत्तू के बनकर तैयार हुए हैं, वो भी फूले फूले एकदम अलग अलग। देखिए अब दोनों परतें अलग हो गई है और अच्छे से इवनली स्प्रेड हुआ हुआ है सत्तू। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा। तो इतने फूले फूले सत्तू के पराठे कैसे बने हैं, बनाने का तरीका। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे सत्तू में। प्याज, हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन, नमक, हल्दी, धनिया, जीरा और ब्लैक पेपर और थोड़ी सी हींग और नींबू के रस, 1 से 1.5 नींबू के रस डालकर उसको मैश कर लेंगे धनिया के पत्ते के साथ, अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसका मतलब भुरभुरा सा, इसको थोड़ा सा पानी डालकर उसमें इसका यह स्टफिंग तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से होना चाहिए ऐसा। उसके बाद डो लगाएंगे, डो हम टाइट लगाएंगे ताकि वो खाने में पराठे जो है ना अच्छे बने। तो सबसे पहले आटे में हम घी डालेंगे, कलौंजी, अजवाइन और नमक डालकर इस तरह से जब होने लग जाए तब फिर पानी डालकर उसको मैश कर लेंगे और डो तैयार करेंगे। उसके बाद उसकी लोई लेंगे और इस तरह से गड्ढा करके उसमें स्टफिंग करेंगे हम सत्तू की जो हमने बनाई है। उसके बाद उसको मोड़ कर रोल करके हम अच्छे से बेल लेंगे। तो इतना ही भरना है ताकि वो फटे नहीं, अगर फट जाएगा तो पराठे आपके फूलेंगे नहीं। तो आप देखें मैंने जितना जिस हिसाब से भरा है और वैसे गोल करके उसको शेप दे देंगे। और जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें बेल लेना है परथन लगा कर। देखिए मैंने इतने अच्छे से फिल किया है कि बेलने के बाद भी वो फटा नहीं है। अच्छे से इस तरह से हमको बेलना है और उसके बाद इसको दोनों साइड से तवे पे सेक लेंगे। तो आपको जैसा पराठा पसंद है, जिस शेप में, कोई सा भी शेप आप डाल सकते हैं। मैंने गोल पराठा बनाया है और दोनों साइड से सेक लेंगे। और मैं घी में पराठा बनाती हूँ जनरली, तो घी दोनों साइड स्प्रेड करके उसको अच्छे से सेक देंगे। देखिए आपका स्टफिंग सही रहेगा, बेला हुआ सही रहेगा तो पराठे खुद ब खुद फूल कर एकदम गुब्बारे के जैसे फूलेंगे, जैसे मेरे पराठे फूले हुए हैं। इसको अच्छे से दोनों साइड सेक लेंगे। तो हमारा ये सत्तू का पराठा बनकर तैयार है। इसी तरह और भी पराठे हैं, उसे भी सेक लेंगे घी से। आपकी मर्जी है, आप ऑयल वगैरह में बना सकते हो, लेकिन बच्चों को भी खिलाना हो तो घी का इस्तेमाल करो तो ज़्यादा सही रहता है। घी थोड़ा हेल्दी होता है, तो बच्चे के लिए भी अच्छा है, आप लोग के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए मैं पराठों को जनरली घी में ही बनाती हूँ। तो इस तरह से सेक कर आप पराठे बना सकते हैं और इसी तरह आपके भी पराठे जो है ऐसे फूले फूले बनेंगे सत्तू के पराठे। मेरे हस्बैंड की फेवरेट है तो मैं जनरली बनाती रहती हूँ ये। आप लोग भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट कर बताना कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, फॉलो करना जितना ज़्यादा हो सके और सपोर्ट करना। और मेरी नई रेसिपी और रेसिपी के लिए मुझे फॉलो करते रहना। तो देखिए आप बनकर तैयार है मेरा सत्तू का पराठा।